लोग जैसा दिखते हैं वैसा होते नहीं। तुम्हारे लिए साहिल से भी अच्छा लगता हम देखेंगे। बोलेंगे तो कुछ भी करेंगे। बिल्कुल कह के तो देखें। कहाँ गए थे तुम? भैया थोड़ा सा बाहर गए। तुम्हारे साथ जो वो लड़का था वो कौन था? भैया वैसे मेरा नाम है कबीर, MD कबीर। जी अब हमें लगता है हमें उनसे मोहब्बत होती है। क्या? कैसे मुस्लिम है आप? आपको नमाज तक पढ़ना नहीं आता। तुम्हें किसने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ? एक मिनट, उसे झूठ क्यों कहा फिर? यार मैंने उसे कोई झूठ नहीं कहा, और मैं क्यों कहूँगा उसे कोई झूठ? मैंने तो बस वही कहा जो सच था। तो क्या ज़रूरत थी आधा नाम बताने की? पूरा पूरा अपना नाम नहीं बता सकता था? यार मुझे थोड़ी ना पता था कि वो मेरा नाम का उल्टा मतलब समझ लेगी। यार फिलहाल ना मुझे बस उससे एक बार मिलना है, उससे बात करनी है, क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे कहे या ना कहे पर वो भी मुझसे प्यार करती है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, जिस तरह से वो मुझे देखती है उसका प्यार, उसकी चाहत उसकी आंखों में साफ साफ दिखता है। सिर्फ दिखने से नहीं होता है मेरे भाई, दिख तो ये भी रहा है कि वो तुझे साफ साफ छोड़ के चली गई। यार वो छोड़ के नहीं गई है यार, फिलहाल उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही है, उसे इस बात की समझ नहीं है। मुझे उसे समझाना होगा। बस तू कैसे भी करके मुझे उससे एक बार मिलवा दे प्लीज यार, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। और ये जो है ना बार बार इमोशनल ब्लैकमेल मत किया कर। चल थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा भैया अचानक मुझसे मिलना क्यों चाहता? और मैं उनसे क्या बात करूँगा? जो मन में आए वो बात कर ले। पर स्वागत तो तुम समझ नहीं रही हो, फिलहाल मैं ये सब के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? एक नॉर्मल सा मीटिंग ही तो है, कुछ नहीं होगा। Are you sure? Yes, I'm 100% sure. क्या करते हो तुम? वो सर मेरा दुकान है। दुकान? किस चीज़ का दुकान? राशन का। राशन? कितना कमा लेते हो? यही कुछ 15-20 लाख। नहीं सर 15-20 हज़ार। महीने का सिर्फ 15-20 हज़ार? स्वागत है, हमारे ड्राइवर का कितना सैलरी होगा? भैया ये क्या पूछ रहे हो आप? जो पूछा जाए सिर्फ वही जवाब दो। $30,000। हमारा ड्राइवर भी तुमसे ज़्यादा कमा लेता है। अब अपना औकात समझ में आ रहा है? भैया ये लड़का ढूंढ रहा है अपने लिए। अगर मैं मर भी जाऊंगा फिर भी तुम्हारा हाथ कभी उससे हाथ में नहीं दूंगा। ना भैया इनफ, मैं और एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती हूँ साहिल के बारे में। चलो साहिल। क्या बात है ज़ारा, तू रो क्यों रही है? और 2 दिन से ऑफिस भी नहीं आई, क्या बात है बता मुझे। कुछ नहीं। क्या कबीर से बात की? क्या उसने कुछ कहा? क्या कहा उसने? क्या हुआ तुम दोनों के बीच, बता मुझे। मैं गई थी उनके पास, उन्हें अपने दिल की बात कहने। वहां जाके मुझे पता चला वो हिंदू है। क्या? हिंदू? मेरे भाईजान को अगर पता चल गया ना कि मैं एक हिंदू लड़के से प्यार कर रही हूँ, तो मुझे तो मार ही देंगे, साथ में कबीर को भी मार देंगे। तू शांत हो जा और रोना बंद कर। क्या करूं निशा, मैं उन्हें बहुत चाहने लगी हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ उनके बिना। फिलहाल तू रोना बंद कर, हम मिलके सोचेंगे हम क्या करेंगे, ठीक है? I'm sorry साहिल, मुझे नहीं पता था भैया के मन में ये सब था। भैया की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। नहीं स्वागता, तुम क्यों माफ़ी मांग ली? तुम्हारा भैया ने जो भी कहा सच ही तो कहा है। मेरी कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने, और ना ही कोई हैसियत है। ऐसा मत कहो साहिल। पर ऐसा ही है, चाहे हम सच से कितना भी मुँह फेर ले पर सच नहीं बदलेगा। बेहतर होगा कि अब हम अलग हो जाएं, इससे पहले बहुत देर हो जाए। ऐसा मत कहो साहिल, ये क्या कह रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? वही जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था, कभी हिम्मत नहीं हुआ। Shut up साहिल, I love you and you know it right? I can't live without you. ये सब बस कहने की बातें हैं। पहले कुछ वक्त तकलीफ होगी और उसके बाद आदत हो जाएगा। साहिल ऐसा मत करो, भैया के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। डोंट बी सॉरी, बल्कि मुझे माफ़ करना, कभी तुम्हारे काबिल था ही नहीं। अपना ख्याल रखना, बाय सॉरी। साहिल, साहिल, साहिल। जी हाँ कहिए। आप ज़ारा के दोस्त हैं ना? जी हाँ। आप कौन? मैं कबीर का दोस्त हूँ, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। कबीर चाहता है बस एक बार वो ज़ारा से बात करे, उसे वो कुछ समझाना चाहता है। देखिए आप और आपके दोस्त नहीं जानते कि ज़ारा के भाई कैसा है, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, और इस बारे में अगर उनको एक बार तक पता चल गया तो। हमें सब पता है उसके भैया के बारे में, और ये सब जानते हुए भी उसने ये फैसला लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो ज़रा से कितना प्यार करता है। हम तो बस यही चाहते हैं कि 2 प्यार करने वाले मिल जाएं। इसी उम्मीद से आपके पास आए थे, बाकी आपकी उम्मीद। ज़रा एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। हम हिंदू है ये बात जान के तुम उस दिन चली गई। क्या होता अगर हम मुस्लिम होते तब क्या तुम मेरे साथ होती? अरे हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे प्यार के बीच में ये धर्म कहाँ से आ गई। ये धर्म का क्या लेना देना है? लेना देना है कबीर, हमारे प्यार से बढ़कर ये दुनिया है, ये समाज है। और एक बार हम इस दुनिया और समाज के बारे में नहीं भी सोचे ना तो उससे भी बढ़कर हमारे भाईजान हैं जो खुद हमारे बीच खड़े रहेंगे। हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि शायद कभी कोई हमसे ना कर पाए, लेकिन शायद खुदा ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया ही नहीं है। ये फैसला करने का हक तुम्हें नहीं है। वो जो ऊपर बैठे हैं ना, जिन्हें हम भगवान के नाम से जानते हैं और तुम खुदा के, उन्हें है। अगर हम एक दूसरे के लिए बने नहीं थे तो फिर क्यों मिलाया हमें? क्यों वो एहसास जगाया जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता इस दुनिया में? जिस दुनिया और जिस समाज की बात कर रहे हो ना तुम, वो बस एक दिखावा है। अरे दिखाने के लिए तो सब अच्छे बनते हैं, पर अंदर ही अंदर सब खोखले होते हैं। किसी के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि खुद के अंदर झांक सके, तभी दूसरों की बुराइयां देखते हैं ताकि कोई उनके ऊपर उंगली ना उठाए। पर कबीर, हम अपने भैया को नहीं समझा पाएंगे। आप हमारे भाईजान को नहीं जानते, वो बहुत। ज़रा हमें वो सब नहीं पता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे भाईजान से, और हमें इस समाज से, इस दुनिया से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बस इतना जानते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें बस तुमसे ये जानना है कि क्या तुम मेरे साथ हो,